नमस्ते मित्रों, सबको हिंदी क्लास में स्वागत। आज हम इकाई दो के पिता का प्रायश्चित नामक एक संस्मरण पढ़ेंगे। संस्मरण क्या है? संस्मरण यहाँ अरुण गांधी ने संस्मरण लिखा है। अरुण गांधी संस्मरण माने ओर्मकुरुप। संस्मरण ओर्मकुरुप यहाँ अरुण गांधी का एक संस्मरण है। अरुण गांधी कौन है? अरुण गांधी हमारा लेखक, पिता का प्रायश्चित नामक संस्मरण लिखने वाले लेखक का नाम है। लेखक का नाम है अरुण गांधी, डॉक्टर अरुण गांधी। अरुण गांधी के बारे में देखे, अरुण गांधी मणिलाल गांधी के बेटे और महात्मा गांधी के पोते हैं। अरुण गांधी ने 30 साल तक टाइम्स ऑफ इंडिया में काम किया। आपकी अनेक किताबें प्रकाशित है। आप एमके गांधी इंस्टीट्यूट में संस्थापक है। यह संस्था अहिंसा पर शोध करते हैं। अरुण गांधी मणिलाल गांधी के बेटे हैं। मणिलाल गांधी कौन थे? मणिलाल गांधी हमारे राष्ट्रपिता के बेटे हैं। हमारे राष्ट्रपिता कौन है? देखो, महात्मा गांधी के बेटे मणिलाल गांधी। देखो अगला चित्र, ये अरुण गांधी है, ये अरुण गांधी है। चित्र में देखो साहब, पहला चित्र हमारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के बेटे मणिलाल गांधी है। मणिलाल गांधी के पुत्र अरुण गांधी है। अरुण गांधी महात्मा गांधी के पोते है। पोते मीन्स पुत्रन्दे पुत्रन, पौत्र। महात्मा गांधी के पोते अरुण गांधी ने एक संस्मरण लिखा है। यह संस्मरण है पिता का प्रायश्चित। उसके पिता क्या कौन है? अरुण गांधी का पिता कौन है? मणिलाल गांधी। मणिलाल गांधी और उनके पुत्र अरुण गांधी के संस्मरण थे पाठ पाप। समझ गया? हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पुत्र मणिलाल गांधी के पुत्र अरुण गांधी के संस्मरण थे पाठ पाप। पिता का प्रायश्चित्तम। पिता कैसे प्रायश्चित करना है? क्या है यह प्रायश्चित? हम देखेगा पाठभाग पहला परिच्छेद, सबको देखो। पिता का प्रायश्चित यह अरविंद गुप्ता ने अनुवादन किया है। अरुण गांधी का यह संस्मरण अरविंद गुप्ता ने अनुवाद किया है। अनुवाद किया, तर्जमा चाहिए। उस समय मैं 16 बरस का था और अपने माता पिता के साथ दक्षिण अफ्रीका में डरबन से करीब 18 मील दूर एक आश्रम में रहता था। आश्रम को मेरे दादाजी महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। आश्रम दूर दराज के इलाके में था। वहां दूर दूर तक बस गलने के खेत थे। शहर से बहुत दूर रहने के कारण वहां हमारे कोई पड़ोसी नहीं थे, इसलिए मैं और मेरी दो बहनें हमेशा शहर जाने के इंतजार में रहते थे। हम शहर जाने के हर मौके तलाश में रहते, जिसमें हम अपने मित्रों से मिल सके और साथ ही वहां के सिनेमा घर में फिल्म देख सके।
वे कहते हैं, कौन कहते हैं? अरुण गांधी ने कहते हैं, उस समय मुझे 16 वर्ष का था। 16 वर्ष, 16 कितने हैं? 16। उस समय मुझे 16 वर्ष का था, 16 वयसायिरुन्नु। किसको? अरुण गांधी को। उस दिन, उस समय मुझे 16 वर्ष का था। उस समय वे दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में रहते हैं। दक्षिण अफ्रीका के डर्बन में वे रहते हैं। कौन? अरुण गांधी। अरुण गांधी और उसके पिता और उसके परिवार वहां रहते हैं। वहां एक दूरदराज इलाके है। यह आश्रम उसके दादाजी महात्मा गांधी ने स्थापित किया था। उसके दादाजी मुत्तच्छन, उसके दादाजी का नाम क्या है? के दादाजी महात्मा गांधी है। यह आश्रम महात्मा गांधी ने स्थापित किया। महात्मा गांधी स्थापित किए आश्रम में वे रहते हैं। कौन रहते हैं? अरुण गांधी और उसके पिता रहते थे। वहां एक दूरदराज इलाके थे, इसलिए उसको शहर में जाने बहुत कठिन थे। वे हर समय वहां रहते थे, उसको शहर में जाना बहुत मुश्किल है। यह आश्रम के आसपास कोई नहीं था, इसलिए उसको पड़ोसी भी नहीं थी। पड़ोसी माने क्या है? पड़ोसी, नाइबर। नाइबर सारे तेने उन्दायरनिल्ल। वे एक आश्रम में रहते थे। उसको हर चीज लाने के लिए शहर में आने की आवश्यकता है। एक दिन उसके पिता ने कहा, उसको शहर में एक मीटिंग है, इसलिए किसी समय पिता ने उससे शहर जाने की कहा। उसको बहुत पसंद है शहर जाना, उसको बहुत पसंद है। किसको? अरुण गांधी को। क्यों उसको बहुत पसंद है? शहर में उसके बहुत कई मित्र थे, और शहर में जाने से उसको सिनेमा देख सकते हैं, इसलिए वे शहर जाना बहुत पसंद है। समझा? देखो अगला परिचय। पिताजी ने मुझसे कहा कि मैं उन्हें कार से शहर ले जाऊं। उनकी वहां पूरे दिन की एक मीटिंग थी। मुझे ऐसे को मौके का तलाश थी, क्योंकि मैं शहर जा रहा था। माम ने मुझे सामान लेने का एक लंबी लिस्ट भी जमा दी। शहर से मुझे पूरा दिन बिताना था, इसलिए पिताजी ने मुझसे कहा कई बकाया कामों में पूरा करने के बाद इसमें कार की सर्विसिंग शामिल थी। एक दिन पिताजी ने उसे क्या कहा? पिता को शहर में एक मीटिंग था, इस मीटिंग में उसको ले जाने की उसके कार से उसको मीटिंग की जगह में ले जाने को कहा। यह सुनकर अरुण गांधी को बहुत खुश हुई। उसको शहर जाने के अवसर मिला है, इसलिए उसको बहुत खुशी हुई। इसके साथ उसके माम ने उसको एक लंबी लिस्ट भी दिया, घर की सामान लाने के लिए एक लंबी लिस्ट भी माम ने उसको दिया। यह लेकर वे अपने पिता को लेकर शहर भी गया। और कार की सर्विसिंग भी थी, कार की सर्विसिंग भी थी, और एक माम को लाने वाले चीजों की, सामानों की एक लंबी लिस्ट भी थी, और अपने पिता को शहर भी लेने की आवश्यकता भी थी। वे पिताजी को वे शहर ले जाने ले दिया।
पांच बजे वहां आने को कहा, पांच बजे वे वहां आने को कहा। वे एकाएक बहुत जल्दी से अपना काम पूरे करने के बाद वे क्या किया, वे सिनेमा देखने के लिए, जॉन बेन की सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घर में गया। गांधी ने क्या किया, गांधी अपने अपने दमाए काम बहुत जल्दी से होकर वे सिनेमा घर में जॉन बेन की सिनेमा देखने के लिए गया। यह उनको उनके पिता को न जाने, उसको पिता के न जाने वे सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घर में गया। और उससे पिताजी ने उससे कहा कि 5:30 बजे यहाँ आएगा, किसको लेने के लिए, उसके पिता को लेने के लिए 5:30 बजे यहाँ आने को कहा। वे सिनेमा देखते देखते समय बहुत देर हो गई, समय बहुत देर हो गई और पिताजी 5 बजे वहां उसके प्रतीक्षा कर रहे थे, 5:30 बजे वहां ले आने को कहते थे, लेकिन सिनेमा देखकर समय देर हो गई, वे वहां आने के लेट हो गए। देखो अगला परिचय। श्रद्धापूर्वक पूछा, तुम लेट क्यों हो गए, उन्हें यह बताते हुए मुझे बहुत शर्म आई कि मैं जॉन बेन की एक पश्चिमी फिल्म देख रहा था, इसलिए मैंने कह दिया कि कार तैयार नहीं थी, इसलिए मुझे वहां देर हो गई। मुझे इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि पिताजी पहले ही गैरेज को फोन कर चुके थे और असलियत को वाकिफ थे। वे मेरे झूठ का जान चुके थे और बोले, जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझसे कोई भारी चूक नहीं है, मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है। देखो एक बार भी बार, जिस तरह से मैंने तुम्हें बड़ा किया है उसमें मुझसे कोई भारी चूक गई है, मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं है। देखो था उसके पिता ने उससे पूछा, तुम क्यों लेट हुई। अरुण गांधी ने लेट होने का कारण क्या है, वे सिनेमा देखने के लिए सिनेमा घर में गए और अपने पुत्र लेट होने के कारण पिता ने गैरेज से फोन कर रखा था और उसको मालूम हुआ वह वहां नहीं था, वे सिनेमा के लिए गए लेकिन पिता को यह ना कह रहा था। अपने पुत्र को न देखने के कारण वे गैरेज से फोन कर दिया और उसको मालूम हुआ वे सिनेमा गए थे, सिनेमा को वे गए थे। और इसके बाद पिता पुत्र ने यहाँ आए, इस समय अरुण गांधी से मणिलाल गांधी ने पूछा, तुम क्यों लेट हुई, इस समय वे क्या उत्तर दिया। अरुण गांधी ने उत्तर दिया कि कार तैयार नहीं था, इसलिए मैं देर हो गई। मणिलाल गांधी ने क्या उत्तर दिया, कार तैयार नहीं थी इसलिए मैं देर हो गई। इसका अर्थ क्या है, अर्थात कार ശരിയായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ വൈകിയത് എന്ന് അരുൺ ഗാന്ധി കള്ളം പറഞ്ഞു. അസലി മേ വേ ക്യാ കിയാ, വേ സിനിമ ദേഖനേ കേ ലിയേ സിനിമ ഘർ മേ ഗയാ, ഫിലിം ദേഖനേ കേ ലിയേ ഗയാ, ലേക്കിൻ വേ ഉസ്കേ പിതാ സേ കഹാ, ഉസ്കേ പിതാ സേ ക്യാ കഹാ, ഉസ്കേ പിതാ സേ കഹാ, മേ കാർ തയ്യാർ നഹീ താ, കാർ കോ സർവീസിംഗ് ഹോനേ കേ കാരൺ
कार तैयार नहीं था इसलिए मैं व्यर्थ हो गई। लेकिन पिता इसके पहले भी गैरेज से फोन कर उनको मालूम हुआ कार तैयार है और इसके कारण ही अपने बेटा ने भी आया। कारण यही के असली कारण उसको सिनेमा देखने गए थे यह बहुत पहले से याद होता था मुन्ने तन्ने अच्छे अरियामायिरुन्नु वे बहुत पहले से याद होता कि अपने पुत्र सिनेमा के लिए गया। लेकिन वे अपने बेटे से इस छूट उसको मालूम हुआ और पिता अपने पुत्र से यह कहा, जिस तरह मैंने तुम्हें बड़ा किया है तुम्हें मुझसे कोई भारी की छूट गई, मैंने तुम्हें सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है इसलिए तुमको सच बोलने के आत्मविश्वास में नहीं दिया है इसलिए इसी प्रकार। उसके पिता ने उससे क्या क्या कहा, तुमको सच बोलने के आत्मविश्वास में नहीं दिया है इसलिए इसी प्रकार हुई, जिस तरह मैंने तुम बड़ा किया है ऐसी रीति लाणो निन्ने ഞാൻ വളർത്തിയത് ആ രീതിയിൽ സത്യം മാത്രം പറയാനുള്ള നിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ടാണ്, സത്യം തുറന്നു പറയാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നിനക്ക് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ രീതിയിൽ സംഭവിച്ചത് എന്ന് അച്ഛൻ പറഞ്ഞു. മേ തുമേ ബഹുത്ത് ബടാദിയാക ഓർ മേരി ഭാരി ചൂക്ക് ഗൈ, എന്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിപ്പോയി, ഉസ്മേ തുമേ सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है, सच बोलने का आत्मविश्वास नहीं दिया है इसलिए पिता ने उसके प्रायश्चित किया। पिता ने कैसे तरह उसको प्रायश्चित किया यह बात हमको अगले क्लास में पढ़ेगा, कैसे तरह वे प्रायश्चित करे, पिता कैसी तरह इस प्रायश्चित करने के इससे इस पाठ का शीर्षक ये है पिता का प्रायश्चित, पिता कैसी तरह इसको प्रायश्चित करे। देखो चार, मणिलाल गांधी इसी तरह प्रायश्चित करने से अपने बेटे को अहिंसा की शक्ति का बोध करते हैं। अहिंसा को कैसी शक्ति है, कितने शक्ति है, इसका बोध इस पाठ भाग से मणिलाल गांधी ने अपने पुत्र अरुण गांधी को समझा दिया है। तीसरा पेज हम इस क्लास में पढ़े इस तीन परिच्छेद तुम असली से पढ़ो और इसके कठिन शब्द देखो, कठिन शब्द करीब लगभग, करीब लगभग, गन्ने का भेद सुगरकेन पाड़ा हरिबिन पाड़ा, शाहर टाउन, बहन सिस्टर, सिनेमा घर थिएटर, मौगा अवसर, तलाश खोज अन्वेषण, धमादि एल्पिचु, बकाया काम एल्पिच जोलीगर, शामिल दी चरम, साठे पांच बजे अंशरमणि अंशे मुप्पद, दिलचस्प फिल्म मनसिन इष्टप्पेट्ट आस्वाद्यकरमाय, इंतसा कर्ण प्रतीक्षा कर्ण, लैट लैटन वैग, चर्म शेम, देर होना लेट होना,
गैरेज गैरेज फोन फोन असलियत यथार्थमाय वाकिफ ज्ञाता थे भारी भारम चूक लक्ष्य अडारह यह इस भाग के कठिन शब्द भी तुम तुम्हारे पुस्तक में लिखो और पहला दो प्रश्न है इस प्रश्न केवल दो प्रश्न है और एक डायरी भी होती है पढ़ अंत होने के बाद डायरी लिखेगा और दो प्रश्न तुमको भेज दिया जाएगा आज व्हाट्सएप से भेज दिया जाएगा दो प्रश्न और कठिन शब्द तुम लिखो और देखो यहाँ देखकर कठिन शब्द भी लिखो और पाठ भाग दो और तीन बार अच्छी तरह पढ़ो और समझो ओके अच्छा धन्यवाद आदि की क्लास समाप्त करते हैं।